Hello, my dear students. Today we are going to discuss a very important topic. I think you all know. We are discussing this video series for class 10th students, those who have to give their board exams and those who are going to appear in 2021. So I have made all the videos in very interesting way and I hope you all are understanding as well. If you feel any doubt in my any video, you can write me in comment section. And there I will give you responses very surely. So in this video, I am going to tell you about the phases of photosynthesis process. So here I am with two reactions, light reaction and dark reaction. So I am going to tell you here what is the process of photosynthesis. In my previous video, you have seen an overview of photosynthesis. In this video, I am going to tell you about light reaction and dark reaction. सो ऑल द फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस, अगर हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोसेस की बात करें तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. और आप सबको पता है कि लाइट रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन ग्रेना एंड डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा. और मैं आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि जो लाइट रिएक्शन है वो उसको फोटोकेमिकल फेज भी बोला जाता है और डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं. तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है और डार्क रिएक्शन में क्या होने वाला है. लाइट रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस मैं आपको स्क्रीन पे लिखूंगी. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर की फोटोलिसिस होगी, देयर विल बी फोटोलिसिस ऑफ वाटर. अब आप सोच सकते हैं कि ये फोटोलिसिस कैसे होगी. सभी स्टूडेंट्स को हमारे पता है कि जो फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस है वो सेल के क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनेल में होती है. तो जो लाइट रिएक्शन है उसमें लाइट बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करती है. और अगर हम ऐसा कहें कि जो लाइट है उसको क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट को ट्रैप करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं. और वो क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको स्प्लिट करते हैं एच प्लस और ओ एच माइनस आयंस में, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस. यहाँ पे माइनस होगा, दिस विल नॉट बी प्लस. ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी वाटर की हाइड्रोलिसिस कराई, मींस ब्रेकडाउन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज फोटोलिसिस. आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. एंड नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स सेकंड इम्पॉर्टेंट चेंज ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन. सो इन लाइट रिएक्शन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एनएडीपी इनटू एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एनएडीपीएच. You can say, I think you all know NADP stands for nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. I will write full form here, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि लाइट रिएक्शन के समय पे जो एनएडीपी है वो एनएडीपीएच के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. और ये एनएडीपीएच काफी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है एज इट इज इन रिड्यूस्ड फॉर्म. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एनएडीपी का रिड्यूस्ड फॉर्म है उसी को हम लोग ने एनएडीपीएच लिखा हुआ है. काफी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है. और ये कहाँ से बनेगा, जब हम लोग फोटोलिसिस कराएंगे तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आ जाएगा और ये एच प्लस इस पे एड हो जाएगा. और तीसरा इम्पोर्टेंट चेंज मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी होता है. स्टूडेंट्स, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन. ओके, एंड फोर्थ इम्पोर्टेंट चेंज, देयर विल बी अ प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन. यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एडीपी को एटीपी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे. एडीपी ऐसा, जैसा कि आप सबको पता है, एडीपी इट विल गेट कन्वर्ट इनटू एटीपी. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इट विल गेट कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ पीआई, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. इट विल गेट कन्वर्ट इनटू मोर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट रिएक्शन प्रोसेस. And now I'm going to tell you about some only few points regarding dark reactions. So dark reaction, it is also called biosynthetic phase because this reaction takes place in stroma.
it will take place in stroma, and light reaction I told you about. This light reaction, it always takes place in grana. So dark reaction, I think as the name suggests, dark reaction, it will not require any light. There will be not any requirement of light. So in this phase, hydrogen of hydrogen of NADPH, जो NADPH का जो हाइड्रोजन होगा फ्रॉम द लाइट रिएक्शन एंड CO2 आर यूज टू फॉर्म कार्बन कंपाउंड. यहां से जो हाइड्रोजन है और जो CO2 है जो हम लोगों को लाइट एंड जो CO2 हम लोग यूज करेंगे टू फॉर्म कार्बन कंपाउंड्स, आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है और इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. आप सबको कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला पता होगा CnH2O का होल n. एंड एनर्जी फ्रॉम ATP मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड. जो यहाँ पे एनर्जी हम लोगों ने प्रोड्यूस करी है ATP, वो ATP हम लोग खर्च करने वाले हैं डार्क रिएक्शन. तो जो भी मॉलिक्यूल्स का हमने प्रोडक्शन लाइट रिएक्शन में करा है स्टूडेंट्स, वो हमने डार्क रिएक्शन में उसको यूटिलाइज कर लिया. तो मुझे लगता है आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आई होप कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी वेल. इफ यू फील एनी डाउट यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स. सो ट्राई टू राइट फ्रीली, देयर इज नो हेजिटेशन एंड डोंट कंफ्यूज विद एनी टॉपिक. इफ यू आर फीलिंग एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल reply you quickly as soon as possible. So thank you once again my students, my all well wishers, my friends, those who are always watching my videos and continuously supporting me. So I hope we will meet soon with a one new video that will be very interesting. Again I'm going to tell you here, I will in my next video, I will tell you about photosynthetic pigments, how many types of pigments are there, which will help to trap solar energy. Thank you, friends. I hope we will meet soon. Bye-bye. Take care, all of you.